हेलो व्यूअर्स, वेलकम अगेन। हमने प्रीवियस स्लाइड्स में इम्यून सिस्टम के बारे में अब तक पढ़ते हुए हम आ रहे हैं। आज हम इस स्लाइड में देखेंगे कि इम्यून सिस्टम कैसे अपना वर्क करता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कोई भी जो एंटीजन है, जो कोई आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जब वो बाहर से हमारी बॉडी पर अटैक करता है तो हमारा जो बॉडी है वो उस के खिलाफ अपना एक्शन को शो करता है, अपने एक्शन को शो करता है। उसको कैसे मारना है, ये सारा चीज़ हम आज इम्यून रिस्पॉन्स के अंदर पढ़ेंगे कि वो कैसे मारता है, किन किन प्रोटीन की सहायता से, कौन कौन सी सेल की सहायता से उसको किल करता है। तो इम्यून रिस्पॉन्स दो प्रकार का होता है, इनैट इम्यून रिस्पॉन्स एंड एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में भी बताया है कि इनैट इम्यून रिस्पॉन्स जो है हमारा बाई बर्थ होता है। हमें बाई बर्थ ये सारी जितनी भी चीज़ें इनैट इम्यून रिस्पॉन्स में आती हैं वो हमें बाई बर्थ मिलती हैं। उसमें हमारा सबसे पहले आता है फिज़िकल बैरियर। फिज़िकल बैरियर में जैसे हमारा स्किन, ये हमारी स्किन पूरी बॉडी की, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे स्किन को क्रॉस करके, फर्स्ट ऑफ ऑल जो बड़ा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा वो स्किन को क्रॉस करके अंदर नहीं जा पाएगा। दूसरा बैरियर होता है म्यूकोसा ऑफ रेस्पायरेटरी ट्रैक। रेस्पायरेटरी ट्रैक का मतलब जी हमारा जो रेस्पिरेशन है, श्वसन तंत्र का जो पूरा ट्रैक है, नोज से लेकर के हमारे लंग्स तक का, उसका म्यूकोसा की लेयर, उसके अंदर की जो लाइनिंग है, उस लाइनिंग में जो है बहुत सिक्रीशन होता रहता है म्यूकस का हमेशा, जो नोज के जो नाक से हमारे निकलता है, और हम उसको जो है हर दिन साफ कर देते हैं। तो उसी तरीके से वहाँ की जो पूरी म्यूकोसा है वो रोकती है किसी भी इन्फेक्शन को, किसी भी इन्फेक्शियस एजेंट को अंदर जाने से। उसके बाद म्यूकोसा ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइन ट्रैक, इसी तरह हमारी इंटेस्टाइन की जो ट्रैक है उसका जो म्यूकोसा मेम्ब्रेन है वो भी पूरी तरह से इन्वेडर्स को रोकती है कि इन्वेडर्स का जो है हमला हमारे इंटेस्टाइन पे ना होने पाए। अगर फिर भी फिज़िकल बैरियर्स हमारे फेल हो जाएं, जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अटैक से फेल हो जाएं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगेन हमारी बॉडी के अंदर घुस जाए, ठीक है, तो हमारे फिर इनैट इम्यून रिस्पॉन्स के अंदर फिर जो है दूसरे रिस्पॉन्स होते हैं जिसको हम आगे देखते हैं। तो इनैट इम्यून रिस्पॉन्स दो तरीके से रिस्पॉन्स करता है, सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स एंड ह्यूमरल रिस्पॉन्स, ठीक है। ह्यूमरल रिस्पॉन्स का मतलब होता है ब्लड के द्वारा रिस्पॉन्स, ब्लड के द्वारा, और सेल मीडिएटेड का मतलब होता है सेल कोशिका के द्वारा रिस्पॉन्स। तो इस इनैट इम्यून सिस्टम के ह्यूमरल रिस्पॉन्स में कॉम्प्लीमेंट सिस्टम इसकी हेल्प करता है। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का मतलब ब्लड में घुली हुई बहुत सारी प्रोटीन होती हैं जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करती हैं। ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम प्रोटीन जो है हमारे मैक्रोफेजिस को, मोनोसाइट को, ल्यूकोसाइट्स को, लिम्फोसाइट्स को एक्टिवेट करते हैं कि मतलब वो सूचना भेजते हैं कि आप अब अपना वर्क करिए, जो फॉरेन इन्वेडर्स आ गए हैं उनके साथ ये कॉम्प्लीमेंट्स जो प्रोटीन होती हैं वो जुड़ जाती हैं, और जुड़ करके वो आगे मैसेज को कैरी करती हैं जो है इन सभी सेल्स के पास, मोनोसाइट, मैक्रोफेजेस और बी सेल्स, इन सब के पास जो है ईओसिनोफिल, बेसोफिल, इन सभी सेल्स के पास ये मैसेज डायरेक्टली फॉरवर्ड करती हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अटैक हो चुका है और हमें आपको इसको जो है किल करना है। तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के बारे में हम अभी और आगे डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट वीडियोज़ में पढ़ेंगे। नेक्स्ट इसमें एक सेल है दैट इज़ कॉल्ड डेंड्राइटिक सेल। डेंड्राइटिक सेल हमारी बॉडी में लंग्स के पास, हमारी स्किन के पास और हमारे लिम्फोइड ऑर्गन्स लिम्फ में जो है प्रेजेंट होती हैं। ये डेंड्राइटिक सेल एपीसी यानी एंटीजन परसिस्टिंग सेल का भी काम करती हैं। डेंड्राइटिक सेल को किसी भी फॉरेन जो आपका आपकी बॉडी पे जो अटैक कर रहे हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनको फर्स्ट ऑफ ऑल इनगल्फ कर लेती हैं और इनगल्फ करने के बाद उसको डिग्रेड कर देती हैं। इनके पास बहुत सारे डिग्रेडिंग प्रोटीन्स होते हैं, लाइसोजाइम्स होते हैं, बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जिससे वो उसको गला देती हैं और उसके कुछ जो पार्ट्स बच जाते हैं उनको अपने उस सेल अपने ऊपर परसिस्ट कर लेती हैं, अपने ऊपर धारण कर लेती हैं कि जो जो एक मैसेज फॉरवर्ड करता है आगे जो है सेल्स को कि एंटीजन को परसिस्ट करने के बाद वो जैसे मैक्रोफेजेस को जो है मैसेज जाएगा और मोनोसाइट को मैसेज जाएगा, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, मास्ट सेल, इन सबको मैसेज जाएगा कि हाँ हमने इन्वेडर को पकड़ लिया है और मैंने उसको डाइजेस्ट किया है, इस तरीके का बॉडी के अंदर हमला
हो चुका है। तो डेंड्राइटिक सेल्स का भी हम एक वीडियो पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है ल्यूकोसाइट्स। तो ल्यूकोसाइट्स में जो है दो तरीके के होते हैं, मोनोन्यूक्लियर फैगोसाइटिस फैगोसाइट एंड पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर फैगोसाइट, जिसको हम लोग ग्रैन्यूलोसाइट भी बोलते हैं। मोनोन्यूक्लियर का मतलब एक तरीके का न्यूक्लियस इसमें जो है, तो ये इसमें आते हैं मोनोसाइट और मैक्रोफेजेस। मोनोसाइट और मैक्रोफेजेस भी एपीसी एंटीजन परसिस्टिंग सेल का काम करते हैं। ये भी फैगोसाइटोसिस क्रिया को करते हैं। फैगोसाइटोसिस का मतलब जो है फॉरेन जो आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उससे जुड़ जाना, उसको जो है अपने ऊपर प्रेजेंट सेल मेम्ब्रेन से जोड़ लेना और उसके बाद उसको ला करके अपने एंजाइम लाइसोजाइम्स की सहायता से उसको गला देना, पूरी तरह से उसको मार देना और फिर उसकी जो है कुछ बॉडी पार्ट्स को अपने ऊपर शो करना, जो एक हमारे फर्दर जो है बड़ी सेल्स को एक मैसेज जाएगा, आगे जो सेल्स को मैसेज जाएगा कि हाँ हमारे बॉडी पर किसी का हमला हो चुका है। सेम एज जैसे कि हमारे देश पर अगर किसी आतंकवादियों ने अगर हमला किया है तो हमारे जो सोल्जर्स होते हैं पहले उसको पूरी तरह से मारने की कोशिश करते हैं और फिर कोई ना कोई अपने जरिए जो है मैसेज को आगे बढ़ाते हैं हेडक्वार्टर्स में कि हाँ हमारे देश पर हमला हुआ है। तो ये भी हम बहुत ज़्यादा पिछले वीडियोस में डिटेल में पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे मैं बस जस्ट एक प्रीव्यू बता रही हूँ कि इम्यून रिस्पॉन्स अब कैसे होता है। नेक्स्ट है ईओसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रियोफिल एंड मास्ट सेल। ये सब सेल भी फैगोसाइटोसिस की प्रक्रिया से जो है वो इन्वेडर्स को मारते हैं और ये ल्यूकोसाइट, डेंड्राइटिक सेल, ये सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स है। डेंड्राइटिक सेल, ल्यूकोसाइट और एनके सेल, ये इनैट इम्यून सिस्टम का सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स है। कि ये सारी जो सेल्स हैं ये जो है WBC का, वाइट ब्लड सेल्स का ही पार्ट हैं और ये सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स को शो करती हैं जो इनैट इम्यून सिस्टम के अंदर आता है। अब हम आते हैं एक्वायर्ड। एक्वायर्ड का मीन्स होता है नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स और ये थोड़ा डीले रिस्पॉन्स होता है, ये जो है एक हफ्ता लेता है रिस्पॉन्स शो करने पे, जबकि इनैट इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिव रिस्पॉन्स होता है, ये तुरंत रिस्पॉन्स को शो करता है। ये एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स हम अपने जीवन काल में जो है इसको एक्वायर करते हैं, इसको एडॉप्ट करते हैं, ठीक है, और इसकी मेमोरी सेल्स भी बनती हैं। तो ये दो प्रकार का होता है, सेल मेडिएटेड यानी कोशिका के द्वारा, सेल्स के द्वारा, एंड ह्यूमरल रिस्पॉन्स ब्लड के द्वारा रिस्पॉन्स, ब्लड में घुली हुई प्रोटीन के द्वारा रिस्पॉन्स। तो एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम में मेनली लिम्फोसाइट्स हेल्प करते हैं। लिम्फोसाइट में आपके दो तरह के लिम्फोसाइट आते हैं, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट और एनके सेल्स। तो एनके सेल्स होते हैं नेचुरल किलर सेल, जिसको फर्स्ट इनैट लिम्फोसाइट भी बोला जाता है। ये फर्स्ट इनैट लिम्फोसाइट इनैट लिम्फोसाइट सिस्टम का ही हिस्सा है, इनैट सेल मेडिएटेड का ही हिस्सा है। इनैट सेल मेडिएटेड एनके सेल्स, ये नेचुरल किलर सेल हमारी बॉडी में लंग्स के आसपास और हमारी स्किन के में ब्लड सेल्स, ब्लड में जो है सर्कुलेट करते रहती हैं, हमारे लिम्फ में सर्कुलेट करते रहती हैं, हमारे लिम्फ नोड्स में सर्कुलेट करते रहती हैं। इसे हम लोग नेचुरल किलर सेल कहते हैं क्योंकि इस ये नेचुरल किलर सेल को कोई भी प्रायर कोई रिस्पॉन्स कोई मैसेज नहीं चाहिए होता है प्रिमिटिव, ये खुद ही एक्टिवेट होती हैं और जो है परफोरिंस नाम के जो है प्रोटीन की सहायता से किसी भी इन्वेडर, कोई भी इन्वेडर आए, वो चाहे कोई वायरस हो बैक्टीरिया हो, उसकी बॉडी में पोर कर देती हैं, परफोरिंस की सहायता से पोर कर देती हैं, छिद्र कर देती हैं छेद, जिससे वो जो एंटीजन है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है और फिर ये जो एनके सेल्स हैं ये अपनी बॉडी से दो तरीके के एंजाइम्स को सीक्रेट करती हैं, एक का नाम है साइटोकाइंस और दूसरे का नाम है इंटरल्यूकिंस। इंटरल्यूकिंस में भी ये INF गामा और TNF अल्फा को सीक्रेट करती हैं, जो कि मैं अभी आगे आने वाले लेक्चर्स में पूरा इनके सेल्स को डिटेल में बताऊंगी। और फिर ये जो है हमारे बॉडी में मैक्रोफेजेस और डेंड्राइट सेल को जो है एक्टिवेट कर देते हैं और एक्टिवेट करने के बाद फिर ये मैक्रोफेजेस जो है उन इन्वेडर्स को खा लेते हैं। अब हम जानेंगे इस लेक्चर में मेनली कि एक्वायर्ड जो रिस्पॉन्स है वो मेडिएटेड कैसे होता है और ह्यूमरल कैसे होता है। ये हमारा हम ये पहले इस फिगर के जरिए हम ये जानेंगे कि इन सब सेल का निर्माण कैसे हुआ है। तो ये मल्टी पोटेंट हीमोपोएटिक सेल स्टेम सेल्स होती हैं, जो कि हमारे बोन मैरो में एक स्टेम सेल पाई जाती है। इसी से ही हमारे सभी WBC RBCs
और प्लेटलेट सबका निर्माण हुआ है। तो ये जो है प्रिमिटिवली दो भागों में टूट जाती हैं, एक माइलॉइड प्रोजिनेटर और एक दूसरा लिम्फॉइड प्रोजिनेटर। तो माइलॉइड प्रोजिनेटर, माइलॉइड का मतलब होता है कि ऐसी कोशिकाएं जिनका निर्माण पूरी तरह से हमारे जो है वो ब्लड हमारे बोन मैरो में ही हो, बोन मैरो के सिवा ये कहीं भी माइग्रेट ना करें। तो इस तरह के जो है, इस तरह की जो सेल्स हैं उनको हम लोग बोलते हैं माइलिनॉइड प्रोजिनेटर। तो इससे जो है ये फिर डिवाइड होती हैं, इससे मेगा कैरियोट बनता है। मेगा कैरियोट ब्रस्ट होकर के टूट करके थ्रम्बोसाइट्स बनाता है, जिसको हम लोग ब्लड प्लेटलेट्स बोलते हैं। इसी से ही हमारी RBC का निर्माण होता है, जिसको हम लोग इरिथ्रोसाइट बोलते हैं। और मेलानॉइड प्रोजिनेटर से ही हमारे मास्ट सेल का निर्माण होता है, मास्ट सेल कोशिका। और इसी से ही हमारा माइलोब्लास्ट का निर्माण होता है। माइलोब्लास्ट से ही जो है फिर अब हमारी फर्दर जितनी भी WBCs हैं, वो चाहे बेसोफिल हो, न्यूट्रोफिल हो, इओसिनोफिल हो और मोनोसाइट हो, इन सब का निर्माण होगा। तो माइलोब्लास्ट से ही डेंड्राइटिक सेल, जो कि हमने पिछला पढ़ा, डेंड्राइटिक सेल का निर्माण होता है। और मैक्रोफेजेस से भी फाइनली डेंड्राइटिक सेल, ये है डेंड्राइटिक सेल, ये इसके बड़े बड़े डेंड्रॉइड्स हैं, ये डेंड्रॉइड्स हैं। इस तरीके से ही डेंड्रॉइड्स में जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पकड़ लेती है और फिर जो है APC एंटीजन प्रोसेसिंग सेल का काम करती है। तो ये उसके बाद जो कॉमन लिम्फॉइड प्रोजिनेटर है, उससे लिम्फॉइड ऑर्गन्स का निर्माण होता है, लिम्फॉइड सेल्स का निर्माण होता है सॉरी। इसमें आते हैं स्मॉल लिम्फोसाइट, जिससे टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट का निर्माण होगा। तो टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट एक्वायर्ड जो है इम्यून सिस्टम में हेल्प करते हैं। इसी से ही हमारा, तो इसका जो लिम्फोसाइट का जो है कॉमन प्रोजिनेटर है, उसी कॉमन प्रोजिनेटर से दो सेल का निर्माण हुआ, NK सेल का और स्मॉल लिम्फोसाइट का। फिर स्मॉल लिम्फोसाइट से दो तरीके की सेल का निर्माण हुआ, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट, ठीक है। और बी लिम्फोसाइट से ही प्लाज्मा सेल का निर्माण होता है, और ये प्लाज्मा सेल फिर एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करती है। तो ये फर्दर बार बार अभी कई सारे लेक्चर्स में ये चीज़ें बार बार रिपीट होंगी। तो यहाँ मैंने इसे एक फिगर के जरिए समझाया है कि कैसे कैसे ये कोशिकाओं का हमारे निर्माण हुआ है। अब हम देखेंगे कि ह्यूमरल रिस्पॉन्स क्या होता है और सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स क्या होता है। तो सपोज़ कोई ये एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर आया और किसी मैक्रोफेजेस ने, कोई भी मैक्रोफेज सेल जो मोनोसाइट सेल है हमारी, उसने उसको इनगल्फ कर लिया। इनगल्फ करने के बाद ये इसको पूरी तरह से किल कर देता है विद द हेल्प ऑफ लाइसोजाइम एंड बहुत सारी एंजाइम्स के जरिए। और उसके बाद अपनी बॉडी पर ही उसके कुछ जो फॉरेन इन्वेडर आया, उसके कुछ प्रोटीन को अपने जो है प्लाज्मा अपने जो है मेम्ब्रेन पे, अपनी सेल मेम्ब्रेन पे शो करने लगता है। इसीलिए हम इसको बोलते हैं एंटीजन परसिस्टिंग सेल। ये एंटीजन परसिस्टिंग सेल में बदल जाता है। एंटीजन परसिस्टिंग सेल हेल्पर टी सेल को एक्टिवेट कर देते हैं, और हेल्पर टी सेल साइटोटॉक्सिक टी सेल को एक्टिवेट करता है। साइटोटॉक्सिक का मतलब होता है कि किल करने वाली टी सेल्स, और ये टी सेल्स डायरेक्टली जा करके फॉरेन जहाँ पे जिस भी सेल पे अटैक हुआ है उस सेल के पास जा करके उसको पूरी तरह से किल कर देती है विद द हेल्प ऑफ बहुत सारे जो है ये इसमें बहुत सारे ये मेम्ब्रेन्स का जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर उपस्थित बहुत सारी ये जो है मेम्ब्रेन्स को फॉलो करते हैं, जिसको हम आगे आने वाले लेक्चर्स में बताएंगे कि ये। उसके बाद हेल्पर टी सेल एक्टिवेट करते हैं बी सेल को, और बी सेल एक्टिवेट करता है प्लाज्मा सेल को, और प्लाज्मा सेल प्रोडक्शन करती है एंटीबॉडी का, और एंटीबॉडी फिर जो है हमारे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट कर देते हैं, मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट कर देते हैं अगेन कि आप जाइए और जो फॉरेन इन्वेडर्स आए हैं उनको किल करिए, क्योंकि ठीक है। डायरेक्टली भी ऐसा हो सकता है कि ये ह्यूमरल रिस्पॉन्स कहलाता है, इसको एंटीबॉडी रिस्पॉन्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये बी सेल के जरिए होता है। कोई भी फ्री एंटीजन माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब हमारी बॉडी के अंदर आता है, तो वो उसको हमारी बी सेल्स, क्योंकि बी सेल्स का ये फिगर होता है, बी सेल्स के ऊपर इस तरीके से जो है एंटीबॉडी लगी रहती हैं, और ये एंटीबॉडी पर्टिकुलर एंटीजन को पहचानते हैं, और पहचानने के बाद ये डायरेक्टली भी जो है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट कर सकते हैं, मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट कर सकते हैं कि आप उसको किल कर दीजिए, या
ठीक है, तो इसको एंटीबॉडी जो है सेल रिस्पॉन्स भी, एंटीबॉडी मेडिएटेड रिस्पॉन्स भी कहा जाता है, एंटीबॉडी के जरिए मारने वाला रिस्पॉन्स। अगेन डायरेक्ट जो है ये एंटीजन टीसी सेल को भी एक्टिवेट कर सकता है, टी साइटोटॉक्सिक सेल को, और ये टी साइटोटॉक्सिक सेल डायरेक्ट जो है वो इन्वेडर्स को किल कर सकती है। तो अब इसके लिए इसको सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स कहा जाता है। ये एक फिगर के जरिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कौन कौन ये जितनी सेल्स, सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स अभी हमने पढ़ा, उसमें इतनी सारी न्यूट्रोफिल सेल, मोनोसाइट सेल, मास्ट सेल, डेंड्राइटिक सेल, इओसिनोफिल सेल, बी सेल और टी सेल कैसे इनको किल करते हैं। तो न्यूट्रोफिल जो है वो डीग्रैनुलेशन और डायपेडेसिस और फेगोसाइटोसिस के जरिए किल करती है। तो डीग्रैनुलेशन का मतलब होता है कि सेल के अंदर जो भी आपके ग्रैन्यूल में, जो भी आपकी ग्रैन्यूल के अंदर प्रोटीन बंद है, वो ग्रैन्यूल का ब्रेस्ट हो जाना और प्रोटीन का जो है बाहर साइटोप्लाज्म में निकल जाना और साइटोप्लाज्म में जो है एंटीजन को किल करना। डायपेडेसिस का मतलब होता है कि जो भी आपकी ये ब्लड सेल के अंदर ब्लड बह रहा है, तो जहाँ पे भी आपके ये ग्रैन्यूल्स हैं, ये सेल्स हैं आपकी न्यूट्रोफिल सेल, ये न्यूट्रोफिल सेल जो है आपके बिल्कुल इस मेम्ब्रेन से अटैच होगी और अटैच होने के बाद फिर धीरे धीरे जो है सेल से बाहर आ जाएगी और बाहर आकर के एंटीजन को किल करेगी। तो ये क्रिया डायपेडेसिस कहलाती है, जो कि मैं अपने पिछले लेक्चर्स में बहुत डिटेल में बता चुकी हूँ। फिर है आपका मोनोसाइट जो है वो एपीसी एंटीजन परसिस्टिंग सेल का काम करता है और फेगोसाइटोसिस सेल का काम करता है। मास सेल भी डीग्रैनुलेशन का काम करती है। बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में ये सवाल आते हैं कि न्यूट्रोफिल कैसे किल करता है, मोनोसाइट कौन कौन से जो है प्रकार से, कौन कौन से तरीके से किल करता है। तो इसीलिए मैंने इस फिगर के जरिए इन सब चीज़ों को डिटेल में बताया। डेंड्राइटिक सेल सेम ईयर मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले कि एंटीजन परसिस्टिंग सेल का काम करते हैं और ये मैसेंजर का भी काम करते हैं बिटवीन इनैट इम्यून सिस्टम एंड एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम या एडाप्टिव इम्यून सिस्टम। बेसोफिल और इओसिनोफिल मोबाइल जो है, मोबाइल डीग्रैनुलेशन है, ये बॉडी के अंदर जो है मोबाइल होते रहते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह मूव करके जो है किल करते हैं। जबकि मास्ट सेल आपका मोबाइल सेल नहीं होती, ये केवल ये डायरेक्टली बस अपनी जगह पे जो है टिश्यू के अंदर पाए जाते हैं और वहीं से ये ग्रैन्यूल को बाहर निकाल करके, ग्रैन्यूल्स को प्रोटीन को बाहर निकाल करके साइटोप्लाज्म में किल करते हैं। टी सेल, तो ये टी सेल बहुत सारे सेल्स में डिवाइड होता है, टी हेल्पर सेल, टी सी सेल और टी किलर सेल, और वो सब मिलकर के जो है लाइसिस और परफोरिन जो है इनके पास एंजाइम होते हैं, उससे ये इन्वेडर्स को किल करते हैं। बी सेल जो है वो फेगोसाइटोसिस करती है, एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करती है और मेमोरी सेल का प्रोडक्शन करती है। एंटीबॉडी जो है एंटीजन से बाइंड करके और बाइंड करके उसको इन पकड़ के रखते हैं और फिर फर्दर जो है उसका फेगोसाइटोसिस होती है। तो इस सेल के अभी तक आज के लेक्चर में हमने सारे जो है इम्यून सिस्टम और कैसे रिस्पॉन्स करेगा, इम्यून सिस्टम टू टाइप से रिस्पॉन्स करता है आपका, सेल मेडिएटेड ह्यूमरल और आपका एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम है वो भी दो तरीके से रिस्पॉन्स करता है, सेल मेडिएटेड और ह्यूमरल, और उसमें हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी कि कैसे आपके ये कौन कौन सी सेल्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे इनैट सेल मेडिएटेड में हमारे ये सारे सेल्स पार्टिसिपेट करेंगे और एनके सेल पार्टिसिपेट करेगी, जबकि एक्वायर्ड सेल मेडिएटेड में हमारा लिम्फोसाइट जो है पार्टिसिपेट करेगा, और ह्यूमरल रिस्पॉन्स में इनैट में कॉम्प्लीमेंट सिस्टम काम करेगा और ह्यूमरल रिस्पॉन्स में जो है एक्वायर्ड में जो है एंटीबॉडी जो है एंड बी सेल काम करेगी जो एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करेगी। तो होप्स आप, मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरे आज के लेक्चर से इम्यून सिस्टम का थॉरली एक जो पूरा व्यू समझ में आया होगा। आगे आने वाले लेक्चर्स में अब हम कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के बारे में, एपीसी के बारे में, डेंड्राइटिक सेल के बारे में, बी सेल टी सेल कैसे काम करती हैं, सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स क्या होता है, ह्यूमरल रिस्पॉन्स क्या होता है, इसको पूरा डिटेल में हम पढ़ेंगे। थैंक यू।